क्वेश्चन दिया है मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन डला हुआ है और इनके स्ट्रक्चर ये डले हैं, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C4H9 और ई प्लस हो गया। मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के ये आइसोमेरिक फॉर्म डले हुए हैं, आइसोमर्स डले हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जहाँ कहीं भी प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा और भी सीखा हुआ है कि थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल दैन सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल दैन फर्स्ट डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर इंडक्टिव इफेक्ट से बात ना बने तो हम यूज करते हैं हाइपर कंजुगेशन, जहाँ कहीं भी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सभी में अगर आप देखें, सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये जो अगर आप देखें तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन डला है कौन सी डिग्री का होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का, क्योंकि ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये हो गया फर्स्ट डिग्री। ये वाला कौन सा, सेकेंड डिग्री का, क्योंकि ये जो कार्बन है दो कार्बन से कनेक्टेड है, ये सेकेंड डिग्री। ये कार्बन कौन सा है भाई, ये आपका जो कार्बोकेटाइन है कौन सा, ये तीन अदर कार्बन से कनेक्टेड है, ये आपका थर्ड डिग्री। यहाँ पे जो कार्बन है कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ओनली वन से ही कनेक्टेड है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट डिग्री। तो हायर डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो आपका सी ऑप्शन में, सिंस थर्ड डिग्री वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, तो ऑप्शन कौन सा हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो लीजिए मैं टिक मार्क कर देता हूँ, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।